हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैच विद पवन राव में यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो अपने पास होगा लाइन और एंगल्स के बारे में। ये एक आसान सा टॉपिक है जो लगभग स्टूडेंट्स को पता रहता है। तो थोड़ा सा वैसे मेरे पढ़ाने की स्टाइल आप लोग देख चुके हो कि हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, और इससे पहले आप लोगों को छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज हम लोग कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ा चुका हूं। आप लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हो, कमेंट उसके साथ करते रहिए ताकि मुझे पता लगे कि कहां कहां सुधार की और ज़रूरत है। जहां जहां आप लोग कमेंट कर रहे हो, मुझे लगेगा कि इसमें इतना और सुधार सकते हैं हम लोग, इसमें ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को ये चाहिए, तो आप लोग कमेंट साथ ज़रूर करो। वीडियो देखिए और कमेंट आप लोगों को नीचे करना है ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोग नई और क्या चीज़ें इसमें ऐड करवाना चाहते हैं या क्या आप लोग चाहते हैं। तो आज का एकदम आसान पॉइंट आप लोगों को आता होगा, उन लोगों के लिए जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंगल और लाइन के बारे में। जिनको ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो आप बना रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। ये है अपने पास एक पॉइंट, ये अपने पास पॉइंट है। पॉइंट जितना छोटा होता चला जाएगा, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, जो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इधर भी पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स जितना छोटे होते हुए चले जाएंगे, पॉइंट जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा, वो अपनी आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। इसकी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कोई भी सर्किल जिसकी कोई रेडियस नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई सर्किल संभव है ही नहीं। रेडियस अगर नहीं होगी तो माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर और छोटी और छोटा कोई ना कोई तो सर्किल की रेडियस होगी, तभी सर्किल संभव है। तो हम लोग पेन, पेंसिल, इनका जो डॉट होता है उसको हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं। और पॉइंट्स का जो नजदीक नजदीक एक जो पथ होता है, नज़दीक नज़दीक पॉइंट्स का जो एक लोकस होगा, बिंदु का जो एक पथ होगा, जिसको इधर भी कितना भी आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन या रेखा। एक तरफ से कितना भी आप लोग बढ़ा सकते हो और दूसरी तरफ से फिक्स अगर है, इस प्रकार से एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ कितना भी बढ़ा सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे या किरण। ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं रे या किरण। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले पॉइंट्स का एक जो निश्चित पथ में एक जो लोकस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। इसको दोनों तरफ कितना भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कितना भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक तरफ से फिक्स होकर दूसरी तरफ बढ़ाओगे तो उसको बोलते हैं रे या किरण। और यहाँ पर ध्यान रखना, दो रे या दो किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही हो, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल या कोण। तो सबसे पहले और सबसे छोटा सा पॉइंट मुझे आप लोग बताइए, एंगल जो बना होता है वो लाइन से मिलकर बनता है, रे से मिलकर बनता है, रे से मिलकर बनता है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ समझाते चलूंगा। एक पॉइंट आप लोग छोटा सा ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से जो होगा उसको तो हम लोग लाइन या रेखा बोलेंगे, और इस प्रकार से अगर अपने पास हो, यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट्स का नज़दीक नज़दीक, जैसे बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है, नज़दीक नज़दीक पॉइंट्स जो हों उसको बोलते हैं हम लोग समतल। पूरा ऐसे बोर्ड भरा हुआ है, समतल किसी भी चीज़ को, ये जो बोर्ड है एक तरीके से समतल है। पॉइंट्स जैसे आप एक सीधी रेखा इस प्रकार से हैं तो उसको लाइन या रे बोलेंगे, और इस प्रकार से नज़दीक नज़दीक पॉइंट्स, इस पूरे बोर्ड पर अगर पॉइंट्स हो एकदम नज़दीक नज़दीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग समतल या प्लेन। ध्यान रखना, समतल या प्लेन की भी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि ऐसी कोई भी अपने पास प्लेन जो उसकी कोई भी मोटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी अपने पास संभव नहीं है जिसकी कोई मोटाई नहीं हो। बोर्ड आप लोग अपना नोटबुक का पेज देख सकते हो, कोई भी आप लोग चीज़ देखो, आप लोग कोई भी बोर्ड देख सकते हो, कुछ भी देखिए, उसकी कोई ना कोई मोटाई तो होगी। तो ऐसा और समतल हम लोग प्लेन उसको बोलेंगे जिसकी कोई भी मोटाई नहीं हो। तो इसकी भी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से किसको डिफाइन किया जा सकता है। और जैसे अपने पास ऑप्शन दे दिए, एक तो दे दिया अपने पास पॉइंट, दूसरा अपने पास दे दिया प्लेन, तीसरा अपने पास दे दिया सर्किल, और एक पॉइंट अपने पास और दे देगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जिसको डिफाइन किया जा सकता है वो है अपने पास सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन मैं आपको सर्किल वाले चैप्टर आगे डालने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, कोई भी आइडियल डेफिनेशन अपने पास नहीं होती है किसकी, ना प्लेन की होती है और ना ही अपने पास पॉइंट की होती है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, SSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो वीडियो है ये वो लोग देखना जिनका ज्योमेट्री थोड़ा सा वीक है, जिनका बेसिक सही नहीं है, वो लोग देखना। तो
तो और मैं फटाफट ये चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ और फिर इस पर बेस्ड 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन भी आप लोगों को आज की क्लास में करवाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें सही समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, पॉइंट आप लोगों के क्लियर हों। कमेंट आप लोग करते रहिए जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर कोई भी एंगल, एंगल की बात की, एंगल मिलकर बनता है रे या किरण से, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा अगर है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये नाम याद होने चाहिए, फटाफट मैं लिख देता हूँ, जिसको भी लिखना हो तो लिखना नहीं है, आप लोग यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं, क्योंकि किसी भी अपने पास कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक्यूट एंगल एक्यूट किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण किसे कहते हैं, लेकिन किसी भी बड़े क्वेश्चन के बीच में कोई नाम आ गया, जैसे आ गया रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि रिफ्लेक्स एंगल बनता कैसे तो आप लोग डायग्राम नहीं बना पाओगे, और डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास जो एंगल है, फटाफट मैं बता देता हूँ क्योंकि नाम है, ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं, इसमें क्यों होता है क्या होता है ऐसा कुछ है नहीं, ये इसके नाम है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। मैंने पहले भी बताया, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जो बेसिक से एकदम भी सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और ये जो मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, ये इसीलिए की थी कि थीटा अगर अपने पास, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से अगर बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, इस YouTube चैनल की हम लोगों ने शुरुआत इसीलिए की थी ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ, सभी बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। तो मैं सारे पॉइंट्स, वैसे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, नाम याद भी होंगे, लेकिन फिर भी जिनका मैथ्स एकदम वीक है, जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। कुछ लोगों को लगता है कि सर ज्योमेट्री में कभी भी नया नाम आ जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये एक बार में वीडियो उन लोगों के लिए जिनका ज्योमेट्री थोड़ा सा वीक है, बीच में मैं ये वीडियो बना देता हूँ। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, ट्रायंगल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसको आप लोग पढ़िए। अगर कोई भी अपने पास एंगल 180 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, या ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट रिजू कोण भी नाम इसी का होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, फटाफट मैं समझा देता हूं क्योंकि इसमें समझना कुछ है नहीं, ये नाम है जो आप लोगों को पता होने चाहिए और आगे कंप्लीट, लेकिन ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे चीज़ें क्लियर होंगी और कभी कभार आसान क्वेश्चन अगर आया तो उसको आप लोग फटाफट सोल्व कर पाओगे। देखिए, अगर कोई भी एंगल अपने पास 180 डिग्री से अगर बड़ा है, इस प्रकार से है, 180 तक हम लोग देख चुके हैं, कोई भी एंगल थीटा जो है वो 180 डिग्री से तो बड़ा है, और अगर 360 डिग्री से छोटा है, कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से अगर छोटा है तो उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और क्वेश्चन हमेशा हम लोग दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर कोई भी एंगल 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का कंप्लीट, ऐसे घूमकर लाइन वापस आई है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण, तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, अपने पास स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और अपने पास पूर्ण कोण क्या होता है। ये 6 एंगल हम लोगों ने समझे, इनके बारे में ध्यान रखना। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के बीच में अपने पास इस टाइप से आएगा कि कोई भी नाम आ जाएगा कि ये सरल कोण है या रिफ्लेक्स एंगल है या कंप्लीट कोण है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। एक पॉइंट और आगे चलते हैं,
देखिए एंगल के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स तीन या चार और हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, या पहले दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा अगर सम अपने पास 90 डिग्री, ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कि एक अपने पास अल्फ़ा अलग हो और बीटा अपने पास अलग हो, इस प्रकार से दो अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं या एक साथ भी बने हुए हो सकते हैं। तो एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा का सम अगर 180 डिग्री है, एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा का सम अगर 180 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि पूरक कोण। यदि अल्फा और बीटा का सम 180 मैंने गलत लिख दिया, 90 डिग्री अगर है, 90 वाला पहले पढ़ा रहा हूँ, तो अपने पास होता है इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। और कभी भी अगर अपने पास ऐसे भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हो अल्फा और बीटा, इनका सम अगर 180 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 180 डिग्री है, या ऐसे भी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक तरफ अपने पास अल्फा बना हुआ हो और दूसरा कोई कोण अलग ही बना हुआ हो बीटा, इस प्रकार से, तो एंगल अल्फा प्लस बीटा अलग अलग भी हो सकते हैं और इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। या संपूरक कोण। इसको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। एक बात ध्यान रखना, एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी भी एक साथ अगर आ जाएं तो सप्लीमेंट्री एंगल तो नाम होता है ही है, अगर एक साथ अगर आ जाएं तो इसका दूसरा जो नाम होगा उसको लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। इसको रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको लगता है कि सर कंप्लीट सारी चीज़ें बताया करो हमें, कि जो जो कुछ भी हो सकता है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किया करो, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये चीज़ें पहले से पता है तो अच्छी बात है, फिर भी आप लोग सारे क्वेश्चंस देखिए, जिससे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे और लास्ट में आप लोग जो क्वेश्चंस छोटा क्वेश्चन आया उसको फास्ट कर पाओगे। अल्फा और बीटा का सम, अब यहाँ पर होता क्या है कि आज आपका एग्जाम है नहीं, आप आज वीडियो देख रहे हो या किसी भी फैकल्टी से कहीं पर पढ़े हो और ये एकदम आसान है, पूरक कोण या संपूरक कोण, तो वो कहेगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, पूरक कोण बताओ, तो दूसरा एंगल एक 30 है तो दूसरा एंगल होगा 60। और आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, आप लोग जहाँ बैठे हैं तुरंत बता देंगे कि सर ये तो अपने पास 60 डिग्री होगा, क्योंकि एकदम आसान है। लेकिन ध्यान रखना, आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तुरंत कल आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 3 महीने बाद हो सकता है 4 महीने बाद हो। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में ये एकदम आसान क्वेश्चन भी लगभग 30-40% स्टूडेंट गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 60 डिग्री ऑप्शन ये भी मिलता है और ऑप्शन ये भी मिलता है। फिर आया हुआ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं कि यार ये होगा या ये होगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा कैसे है उनको अच्छे से याद कर लेना। याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका होता है सी पहले आता है या एस पहले आता है। सी पहले आता है, इसका मतलब अपने पास पहले 90 और फिर 180। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, पूरक देखने में पूरक छोटा दिखाई दे रहा है या संपूरक छोटा दिखाई दे रहा है, देखने में संपूरक बड़ा है और पूरक सिर्फ छोटा है, तो छोटा है तो 90 डिग्री और बड़ा है तो अपने पास 180 डिग्री। इस टाइप से आप लोग इन दोनों को याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये मैंने समझा दिया, कभी कभार अगर लीनियर पेयर रैखिक युग्म कोण अगर आ जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर अगर होता है तो इसका नाम ये तो है ही है, इसका दूसरा नाम ये भी होता है, रैखिक युग्म कोण भी इसको बोल सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
देखो कोशिश करना सीखने की, यहाँ पर इस प्रकार से दो स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी भी अगर इंटरसेक्ट करें तो ध्यान रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने पास शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये एंगल अगर ए है तो ये भी ए होगा, और ये इधर वाला एंगल अगर बी है तो ये इधर वाला एंगल भी बी होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इधर वाला एंगल अगर ए है तो ये भी अपने पास ए होगा, इधर वाला एंगल अगर बी है तो ये इधर वाला एंगल भी अपने पास बी होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं दो लाइन के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दो लाइन के बारे में अगर हम लोग देखें, टू लाइन्स के बारे में अगर हम लोग इसको पढ़ने की शुरुआत करें, तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हैं और इसकी ये अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए सभी लोग। दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों के दोनों समांतर हैं और ये अपने पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती उनको पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं बोलते हैं, और ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर है अपने पास प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं, जो दोनों को इंटरसेक्ट अगर करे इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इस एंगल को अगर मैं एक नंबर नाम दूँ, ये दो नंबर अगर हो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ, अगर कभी भी लाइन L1, इसको L1 मान लो और इसको L2 आप लोग मान लीजिए, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो ध्यान रखना ये एक लाइन के एक ही तरफ बने जो कोण होते हैं या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, याद रखो इसको, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही ओर या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, एक ही ओर या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, ये जो कोण होते हैं ये ऑलवेज इक्वल होते हैं और इनका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ये इनका नाम है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। देखिए कौन कौन सा, एक बराबर होगा पाँच के, ध्यान रखना दो बराबर होगा छः के, तीन जो बराबर होगा सात के, और चार जो है वो बराबर होगा आठ के। हमेशा आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन के अगर पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, इनको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। इनको बोलते हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग, जब मैं पढ़ाने की ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको अच्छे और बड़े क्वेश्चन समझाने की शुरुआत करूँगा ना, तब मैं बताऊँगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो तुरंत समझ जाना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। और अभी तक कम से कम मैं ये पॉइंट आपको 10 बार पहले भी ट्राइंगल में बता चुका हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत ज़्यादा जगह काम में लिया है, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, ये बात मैंने समझाई है। दूसरा आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ तीन बराबर होगा पाँच के और चार बराबर होगा छः के। दो नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखना, तीन बराबर होता है अपने पास पाँच के, इनको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, तीन बराबर है पाँच के और एंगल चार बराबर है सात के, एंगल चार जो है वो सात के इक्वल होगा, चार बराबर होगा छः के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत सॉरी एकांतर जो कोण होते हैं ऑल्टरनेट एंगल तीन पाँच के बराबर होगा और चार छः के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ इसका नाम ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, कौन कौन से,
बताओ कौन कौन से। तीन बराबर है छः के, तीन जो है वो बराबर है पाँच के, और चार जो है वो बराबर है अपने पास छः के। हमेशा ध्यान रखना ऑल्टरनेट जो एंगल हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। और कम से कम ये पॉइंट में मैं 50 बार आप लोगों को मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी जेड बन रहा हो, जेड चाहे इस प्रकार से बने पैरेलल लाइन से, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन से जेड इस प्रकार से बने तो ये एंगल और ये एंगल इस प्रकार से बने तीन और पाँच के बराबर होगा। फर्स्ट वीडियो जिस दिन डाला था, लेसन फर्स्ट जिस दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्रायंगल का, पहले दिन ही पढ़ाने की शुरुआत ही यहाँ से की थी कि दो लाइन अगर पैरेलल हों और ये जेड बन रहा हो तो ये कोण बराबर होते हैं। ये काम आया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें अपने पास ये पॉइंट काम में आया था, ध्यान रखना। और ये जो अपने पास एंगल है तीन और छः और चार और पाँच, इनका सम 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना आप लोग। तीन नंबर पॉइंट, तीन नंबर जो पॉइंट है इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल या अंतःकोण। इंटीरियर एंगल या अंतःकोण, तीन प्लस छः बराबर 103 प्लस छः बराबर होगा 180 डिग्री, और चार प्लस पाँच बराबर होगा 180 डिग्री। ध्यान रखना अंतःकोणों का, और ये तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखना। मैं एक बार फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना, सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण एक बराबर है पाँच के, दो बराबर है छः के, तीन बराबर है सात के, चार आठ के बराबर है। इसका उल्टा भी ठीक है, कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दोनों चीज़ें ठीक हैं, लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। ये मैं आपको ट्रायंगल में काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले भी, इसलिए चीज़ें हम लोग फटाफट ले रहे हैं। ध्यान रखना ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं अपने पास तीन बराबर है छः के, क्यों बराबर है, तीन बराबर है सॉरी पाँच के, बार बार छः आ रहा है, तीन बराबर है पाँच के क्यों बराबर है, देखो मैं समझाता हूँ। मुझे बताइए क्या एक और पाँच बराबर हैं क्या, क्यों होता है, ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ। अब मैंने अभी भी बताया एक बराबर है पाँच के, एक पाँच के बराबर है सिखाया, और मुझे बताओ क्या एक तीन के बराबर है क्या, एक पाँच के बराबर भी है और एक तीन के बराबर भी है, इस तीन को यहाँ लिख दे देंगे तो क्या तीन और पाँच भी बराबर होगा क्या, इसलिए तीन और पाँच अपने पास इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल इसलिए बराबर होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, इनका उल्टा भी एकदम ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री क्यों होता है, पहली चीज़ तो ध्यान रखना दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, दो लाइन पैरेलल हैं तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी। क्यों होगा मुझे ये बताइए, मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। मुझे बताओ दो और छः, दो और तीन एक सीधी लाइन पर बने, स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो, दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, पाँच बन रहे हैं, कितने भी एंगल बनो उनका सम 180 होता है। यहाँ तो दो बने एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर 180 डिग्री, और ये अपने पास मुझे बताओ दो बराबर है छः के, तो दो की जगह हम लोग छः लिख सकते हैं, एंगल छः प्लस एंगल तीन बराबर 180 डिग्री, और यही मैंने आप लोगों को लिखवाया है। बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को मिलेगा बाह्य एकांतर, अंत एकांतर, लेकिन एसएससी सीडीएस और जो कंपटीशन अपने एग्जाम्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, बाह्य एकांतर अंत एकांतर ये वो आपको सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन पॉइंट सिर्फ आप लोग याद रखना। देखो क्या एक बराबर है क्या तीन के, बताओ क्यों, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो मैं जैसे ही पूछूं क्या एक बराबर है क्या तीन के, तो स्क्रीन की तरफ देखने के बजाय साथ साथ आप लोग रिस्पांस दिया करो कि हाँ बराबर है। क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और तीन बराबर है सात के, तीन बराबर है सात के, एक तीन के बराबर, थ्री इक्वल है सेवन के, तो क्या वन और सेवन भी इक्वल होगा क्या, तो एक भी सात के बराबर होगा। ये चीज़ें हम लोग ऐसे देखेंगे, डायरेक्ट कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
इसको हटाकर एक पॉइंट में और समझा देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट अपना मैंने फटाफट लाइन के बारे में आप लोगों को समझा दिया, फिर इस पर बेस्ड कम से कम मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इसके अगर एक बार ये चीज़ें सीख ली और 4-5-6 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और इस पर बेस्ड तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल में, सर्किल में, क्वाड्रिलेटरल में हर जगह नाम आता है। बार बार चीज़ें ये बोलते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल क्या है, रेखा की युग्म कोण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार बोलते हैं। तो ये होता क्या है, एक बार जिनका बेसिक मतलब जिसको बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं पता उनके लिए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ, जिससे आप लोग, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जैसे ट्राइंगल के लिए बोलता हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गए ट्राइंगल पढ़ाते टाइम, त्रिभुज पढ़ाते टाइम मैंने बोल दिया कि एकांतर कोण बराबर हो गए, तो कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि एकांतर कोण क्या होते हैं। तो इसके जो अपने पास बेसिक जो वर्ड्स हैं वो तो आप लोगों को कम से कम याद होने चाहिए, और उनको याद करवाने के लिए मैं आज का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए, अगर अपने पास ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और ध्यान रखना L1 पैरेलल है L2 के, ये पैरेलल का साइन होता है भाई, जिसका और ये चीज़ें भी नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये पैरेलल का साइन होता है। L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। L2 पैरेलल है L3 के, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात L1 पैरेलल होगा L3 के। अब बात ये है कि यहाँ पर ये तो चीज़ें आपको पता ही है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी दोनों पैरेलल होगी, ये तो आपको पता ही है। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन है PQR, और यहाँ से दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है ST और U। एक ट्रांसवर्सल लाइन है अपने पास PQR और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है ST U। तो ध्यान रखना आप लोग, PQ अपॉन QR बराबर होता है ST अपॉन TU के। CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, और CDS में आए हुए क्वेश्चन आजकल SSC बहुत पूछ रहा है, इसलिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तीन लाइन अगर पैरेलल हैं तो याद रखना PQ अपॉन QR बराबर होता है अपने पास ST अपॉन TU के इक्वल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। कैसे आया, कैसे प्रूव करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एस जो पॉइंट है इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर खींचेंगे, एस के पैरेलल ये पॉइंट यहां पर बना लेंगे हम लोग। इसके पैरेलल लाइन अगर खींचते हो, तीन लाइन पैरेलल हैं और इसके पैरेलल लाइन खींचते हो, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, और वो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ तक होगी। तो अपने पास ट्रायंगल बन गया और लाइन पैरेलल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और पैरेलल होते हैं, PQ अपॉन QR बराबर ST अपॉन TU लिखते हैं। तो ट्रायंगल में तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जब अलग से लाइन देगा तो वही लाइन, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके पैरेलल लाइन किधर भी खींचो, चाहे यहाँ पर खींचो, ये 3 है तो पैरेलल लाइन ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इसके पैरेलल इधर खींच ली, एस को यहाँ पर ले आए, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बनते ही हम लोग ये लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको ट्रायंगल में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। और जब ये वीडियो, आज का वीडियो जिसका बेसिक थोड़ा सा अगर सही नहीं है, आज का वीडियो देखने के बाद ट्रायंगल के मेरे वीडियोस वापस देखिए, आपको जो पहले समझ में आया था उससे 5 गुना ज्यादा समझ में आएगा, उनको कंप्लीट वीडियोस को एक बार आप लोग वापस देखना। तो ये चीजें थी अपनी लाइन और एंगल के बारे में। अब इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई आप लोग, ये याद रखना सभी लोग, देखो हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं जिससे आपके पॉइंट्स जो हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। और ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि सर कमेंट्स जैसे आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, अभी सिर्फ डालने की वीडियोस डालने की शुरुआत की है मैंने यूट्यूब पर, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते रहूँगा यूट्यूब पर भी कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, कैसे इनको आप लोग ले सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, तो हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन अभी तो मेरे 10 या 11 वीडियोज ही आए हैं, धीरे धीरे एक बार इन चीज़ों को आप लोग समझिए, पहले थ्योरी समझिए कंप्लीट,
इस प्रकार से एक अपने पास लाइन है, मैं बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम जो क्वेश्चन में बना हुआ है। ये सी और डी पॉइंट है और ये अपने पास बी पॉइंट है। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है और ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 4x और ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 6x। देन इसने कहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल, इस प्रकार से पैरेलल का साइन होता है, ए बी पैरेलल है सी डी के, देन फाइंड द एंगल ऑफ एक्स। ये अपना क्वेश्चन है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और यहाँ पर अपने पास ये एंगल एक्स का मान हम लोगों से पूछा और ये 130, ये अपना क्वेश्चन है। जैसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग वीडियो को उसको पॉज कीजिए और थोड़ा सा उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। थ्योरी पढ़ाने के बाद उस पर बेस्ड मैं कुछ आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ जिससे आपके माइंड में थ्योरी कंप्लीट अच्छे से सेट हो जाए। मैं थ्योरी पढ़ाते ही एकदम हार्ड क्वेश्चंस नहीं करवाता, नहीं तो आप लोगों की थ्योरी सही दिमाग में सेट नहीं होगी। और बाद में जैसा आपको पढ़ाने का तरीका मेरा देख ही लिया आपने, पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी आप लोग बार बार पढ़िए जिससे आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाओ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है, ये इसके पैरेलल है, समांतर है, इनके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचेंगे, इनके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी दोनों पैरेलल होनी है। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, ये इसके पैरेलल लाइन खींची और ये पहले इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होनी है। और अब आप लोग मुझे बताइए, ये 130 आपने लिख लिया होगा दिया हुआ है, अब मुझे बताइए दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये अगर 4x है तो ये भी अपने पास 4x होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अगर 6x है तो ये भी अपने पास 6x होगा। और यहाँ से आ गया 10x इक्वल्स टू 4x प्लस 6x, ये टोटल 130 दिया हुआ था तो 10x इक्वल्स टू 130 अगर है तो x की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी 13 डिग्री। ये अपना आंसर है पहला क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे 5 या 6 क्वेश्चन इस पर बेस्ड करवाता हूँ जिससे थ्योरी आपकी क्लियर हो। इससे आपको पता लगा कि इसके पैरेलल लाइन खींच दो और ये दोनों पहले से पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होते ही बता चुका हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये पैरेलल है तो ये 4x, ये 4x, ये 6x, ये 6x, टोटल 10x बराबर 130, अक्ष का मान फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, दो अपने पास पेयर दिए हुए हैं पैरेलल लाइंस के, एक तो ये पेयर दिया हुआ है, आप लोग अलग अलग भी बना सकते हो या ये भी बना सकते हो, एक पैरेलल लाइन का जो पेयर ये हो गया और एक पैरेलल लाइन का पेयर ये हो गया। इसमें अपने पास इस पैरेलल लाइन को कहा है एस और इस दोनों पैरेलल लाइन के पेयर को, अलग अलग लाइन को एस टी नहीं बोला, इन दोनों का जो पेयर है उसको एस बोल रहा है ये और इसको ये टी बोल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ते चल रहा हूँ, लैंग्वेज में क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, मैं पढ़ते चलता हूँ। और सी डी एस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है सी डी एस में पूछा गया था, यहाँ से कोई भी अपने पास लाइन सेगमेंट जो एस में तीन बना रहा है, जो एस में अपने पास तीन बना रहा है वो टी में बनाएगा 5, यहाँ पर अंतःखंड जो बनाएगा यहाँ से यहाँ तक 3 तो यहाँ बनाएगा 5, तो इसने कहा दूसरा जो एस में 12 बनाए वो इसमें कितना बनाएगा, टी में कितना बनाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान देना, ये अपने पास समुच्चय एस है, कोई भी लाइन का पेयर है, दूसरा टी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है, डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से हैं। ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, 20 बी ऑप्शन है 36/4, 5 सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 5/4। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना अभी भी बताया था, थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था क्या पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर एस टी अपॉन टी होता है, क्या ऐसा याद है क्या? अगर याद है, मैंने कहा जैसे याद है क्या, तो आप जहां पर भी बैठे हैं आप लोगों को बोलना है कि हाँ सर याद है। तो पी से क्यू तक 3 है, पी क्यू नाम देना 3, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 और ये अपना आंसर है। फिर समझाता हूँ अगला क्वेश्चन,
किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसको रिवाइज करके एक बार वापस देखिए, क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान आसान भी आते हैं। और मैंने कहा कि आसान क्वेश्चन भी आएंगे, जिन्होंने वीडियो शुरुआत में देखे थे, जिनको प्रॉब्लम आई कि सर ये ऑल्टरनेट एंगल क्या बोल देते हो, एकांतर कोण क्या है, ये रेखिक युग्म कोण क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट। सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। और अगर साथ साथ सारे वीडियोस आपने कंप्लीट अगर देखते हो तो फिर धीरे 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 सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। तीन लाइन L1, L2 और L3 पैरेलल हैं और L2 इन दोनों के बीच है, ऐसा लिखा हुआ है। तीन लाइन L1, L2 और L3 एक दूसरे के पैरेलल हैं और L2 इन दोनों के बीच है। इसमें एक दो ट्रांसवर्स लाइन है PRE और QSF, एक ट्रांसवर्स लाइन है PRE और दूसरी ट्रांसवर्स लाइन जो अपने पास वो है QSF। इसने कहा है हम लोगों को कि P तथा Q L1 पर है, ऐसा कंप्लीट लिखा है, डायग्राम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। P तथा Q L1 पर हैं, R तथा S L2 पर हैं और E और F अपने पास L3 पर हैं। PR की वैल्यू 8 दी हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन है 8। RE की वैल्यू जो है वो दी हुई है 4, RE की वैल्यू 4 दी हुई है। QS इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ SF। अभी भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही समझाया, क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? हाँ, सोल्व कर लोगे। PQ/QR बराबर ST/TU पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा पहले वाला क्वेश्चन करवाया, लिख सकते हैं 8/4 इक्वल्स टू 6/x। 4 से कट गया ये दो बार और 2 से कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये अपना आंसर है, वैसे भी चेक कर सकते हो, ये इससे आधा होगा तो ये इससे आधा होगा, 8 का आधा 4 है तो 6 का आधा 3, डायरेक्ट भी आप लोग इसको सोच सकते हो, ये अपना क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिससे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। देखो अगला क्वेश्चन मैं फिर करवाता हूँ आपको, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है ये PQ इस प्रकार से डायग्राम, इसका डायग्राम भी है भाई, इसका डायग्राम इस प्रकार से PQ। और जैसे ही मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने आए, इसको आप लोग करने की कोशिश किया करो। ये पॉइंट N है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। इसने कहा PQ पैरेलल है RS के, जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। PQ जो है वो पैरेलल है RS के, PQ RS के पैरेलल है। और अपने को जो दिया हुआ है ये एंगल जो दिया हुआ है PQN 99, एंगल जो दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ, PQN बराबर दिया हुआ है 99 डिग्री। और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है NRS इक्वल्स टू, एंगल NRS इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 111। और हमें QNR पूछा है, एंगल QNR क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अचानक से ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप लोग थोड़ी सी कर लोगे तो फिर इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में, जिनका बेसिक थोड़ा सा सही नहीं है तो इन क्वेश्चंस को अगर शुरुआत में करेगा और फिर मेरे ट्रायंगल के अगर वीडियोस देखेगा तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये वाला एंगल दिया हुआ है 99 और ये वाला एंगल दिया हुआ है हम लोगों को 111। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आप एक काम कीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को अगर आप लोग आगे बढ़ाते हो तो ये वाला एंगल अगर 111 डिग्री है तो अंतः कोणों का योग, क्योंकि लाइन तो पैरेलल होती है, इसी को आगे बढ़ाया हम लोगों ने, तो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 111 डिग्री है तो क्या ये अपने पास 69 डिग्री होगा क्या? और ये अपने पास 69 डिग्री अगर है, समझ लेना ये चीज़ें आप, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये भी अपने पास 69 डिग्री होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है। वो सारे पॉइंट्स जो ट्रायंगल में आप लोग बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, वो आज की क्लास में कि कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ।
ये 99 डिग्री अगर है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है तो क्या इधर वाला 81 डिग्री होगा क्या? और एक ट्राइंगल के तीन एंगल, दो एंगल अगर दिए हुए हैं तो तीसरा आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल अगर आप लोगों को दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 150 डिग्री अगर आ गया तो तीसरा एंगल अपने पास होगा 30 डिग्री। क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूं, फिर से ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये अपने पास तीन लाइन पैरेलल दो लाइन इस प्रकार से हैं। मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम ही है, आपकी बार लैंग्वेज में नहीं है। ये अपने पास एंगल एक्स है और ये दोनों लाइन इसने कहा है कि नाम दे देता हूं इसको मैं, ये वाला जो अपने पास सी और डी, ये पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट अपने पास बी है, ये वाला जो पॉइंट अपने पास वो दिया हुआ है। ये लाइन खींच दो आप लोग, जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये जी पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है डी, ये एंगल हम लोगों के लिए लिखा हुआ है 60 डिग्री, क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम है। और ये अपने पास लिखा हुआ है सी पॉइंट और ये एंगल है 130 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। ए सी पैरेलल बी डी, ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के, ये पॉइंट ए है ना। एक तो ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है ये पॉइंट एफ, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा ए ई पैरेलल बी एफ, ये भी गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्वेश्चन एकदम आसान है लेकिन अचानक से ऐसा दिखाई देगा, ये डायग्राम दिखाई देगा तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आए और हम लोगों से पूछा है कि एंगल अक्ष कितना होगा, ये वाला पूछा है। तो ध्यान देना आप लोग, मुझे बताओ ये एंगल अगर 130 डिग्री है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये अगर 130 डिग्री है तो क्या 50 होना है क्या? और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, ये 50 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 70 डिग्री होना है क्या? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, 6 और 5 11 110, तो ये बचा 70। और ये अगर 70 डिग्री है तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, ये 70 है तो क्या ये वाला लाइन एक ये वाला एंगल 110 होना है क्या? तो ये अपना आंसर है, ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, फिर से आप लोग देखिए, क्योंकि मैंने कहा है ये पॉइंट्स मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जिनको शुरुआत में अगर लगता है कि सर हमें तो सब कुछ बताओ, सारे पॉइंट्स बताओ, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताए और साथ ही इन पर बेस्ड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जिनका मैथ्स थोड़ा सा सही नहीं है वो इसको जल्दी कर पाओ। एक और समझा देता हूँ, इस प्रकार से अपने पास है ये अपने पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी, ये डी और ये वाला पॉइंट है ए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल जो है वो 115 डिग्री, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। जहाँ डायग्राम दिया होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर नहीं दिया होता तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा। अब अपने पास ए बी पैरेलल है डी ए ई के, ये पॉइंट ई बनाओ है ना, ए दो जगह आ गया। क्वेश्चन में जो गिवन है ए बी पैरेलल डी ई, पहला तो ये दिया हुआ है, दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी बराबर एक एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 115 डिग्री, ए बी सी 115 डिग्री, और अपने पास सी डी ई इक्वल्स टू 140 डिग्री, सी डी ई इक्वल्स टू 140 डिग्री, और अपने को पूछा है कि बी सी डी कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है। ये तो मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, अपने आप करने की कोशिश करना। ऑप्शन है 45, ऑप्शन जो है 45, 55, 65 और 75, अपने आप करने की कोशिश करो। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो अपने आप कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप लोग देख लीजिए
ये जो बुकलेट है जहाँ से क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की बातें करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन, डायग्राम बना हुआ है, ये आर तथा एस, ये इस प्रकार से है जो दिया हुआ है। मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ और जैसे ही लिख लूँ वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद भी करने की कोशिश किया करो। एल और एम ये नाम दिए हुए हैं और इसने पूछा है कि अपने पास पी क्यू और एल एम रेखाओं के बीच कोण क्या होगा। पी क्यू एंड एल एम लाइन के बीच एंगल कितना होगा, ऐसा पूछा है। और जो दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 55, यहाँ पर लिखा हुआ है 30। क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है हम लोगों को 25 और ये दिया हुआ है हम लोगों को 155 डिग्री। और यहाँ पर पूछा है, दिया हुआ है कि आर एस और पी क्यू पैरेलल हैं, आर एस और पी क्यू पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है आर एस और पी क्यू पैरेलल हैं। देखो आर एस और पी क्यू पैरेलल हैं, ये 55 डिग्री है, 30 और 25 55, ये इस क्वेश्चन में तो दे दिया कि दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल देना ज़रूरी भी नहीं है, अगर ये नहीं देता कि दोनों पैरेलल हैं तो भी हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि ये 55 है, ये अपने पास 30 और 25 ऐड करोगे 55, 55 और 55 अगर है, ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये इसके पैरेलल हुई। और मुझे बताओ यहाँ पर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, मैंने बताया दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, दोनों चीज़ें ठीक हैं। ऑल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल हैं तो उल्टा भी इनका ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो अपने पास अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, दोनों तरफ से ही ठीक है। जैसे 180 डिग्री हुआ तो ये लाइन अपने पास पैरेलल हो गई। और यहाँ पर ये जैसे ही पैरेलल हुई इसने दोनों के बीच कोण पूछा है और ऑप्शन जो दिए हुए थे 175, 175, 176, 179 और 180 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये अपने पास इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और थोड़ी देर पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन अगर है, एक सीधी रेखा अगर है अपने पास, दोनों ही पैरेलल हैं, तो उनके बीच बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच बना कोण जो होगा वो 180 डिग्री, हम लोग इसको टेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ये आप लोग याद रखना। एक और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इन पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से है, नीचे दी गई आकृति में अपने पास ए बी सी इन द गिवन फिगर बिलो, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर इसने कहा है कि ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर है एक बी एल, ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींची, इस पर एम और एल जो इसके पैरेलल है, ये एंगल बाइसेक्टर पर इसने लिखा है ए बी सी के द्विभाजक, ए एंगल ए बी सी के एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट एल है, रेखा एम एल जो है वो बी सी के पैरेलल है। इस पर एंगल ए बी सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक जो है, उस पर एक पॉइंट एल है और एम एल जो है, क्वेश्चन में गिवन है कि एम एल पैरेलल है बी सी के, देन बी एम एल जो है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या कौन सा त्रिभुज होगा, या नन ऑफ दीज, ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को। इक्विलेटरल होगा अपने पास, या आइसोसेलेस होगा, या राइट एंगल होगा, या इसमें से कोई नहीं, इस प्रकार से स्केलन कुछ भी बोल देगा। तो ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये लाइन पैरेलल है, तो जब भी देखो जेड बन रहा हो
बार बार मैंने पता नहीं कितनी बार समझा दिया है, जब भी जेड बन रहो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और अपने पास एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं, एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं, तो उसके सामने की जो अपने पास साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होंगी, और एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होते ही ये अपने पास बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, बन गया सम द्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट ये समझ में आई होगी। इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे, और मैं इसके और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं एक साथ कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में और आ जाएगा। आज जिन लोगों को ऐसे लग रहा था, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि सर ये बीच में आप लोग ऑल्टरनेट एंगल बोल देते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल देते हो, एकांतर कोण बोल देते हो, संगत कोण बोल देते हो, तो ये क्या है इसको एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए, उनका बेसिक सही करने के लिए, और ये वीडियो देखने के बाद ट्रायंगल के सारे वीडियोस आप लोग वापस से देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कमेंट्स आप लोग करते रहिए, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये इंप्रूवमेंट और करना चाहिए वो आप लोगों के लिए मैं इम्प्रूव करूँगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, YouTube चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, बाकी चीज़ें हम लोग अपने अगले क्लास में, कल के लेसन से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चतुर्भुज के बारे में पढ़ाऊंगा, पहले ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है, आज लाइन और एंगल के बारे में फटाफट हम लोगों ने देख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्किल, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पॉलीगंस के बारे में। तो कंप्लीट वीडियोस के लिए आप लोग YouTube चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।